भारत के चंद्रयान 2 मिशन के तहत चंद्रमा पर गए विक्रम लैंडर का पता लगाने में अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी मदद करेगी। हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं अद्भुत। नासा का ऑर्बिटर मंगलवार को चंद्रमा की सतह पर से उस जगह के ऊपर से उड़ान भरेगा जहां विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की है। नासा का ऑर्बिटर लैंडिंग साइट की तस्वीरें भी भेज सकता है, इससे विक्रम लैंडर से संपर्क करने में सफलता हासिल हो सकती है। विक्रम लैंडर के बारे में इसरो ने भी पता लगा लिया था और उसे संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक इसरो ने विक्रम लैंडर की कोई भी तस्वीर जारी नहीं की है। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की थी जिसके चलते उसका कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ था। नासा के ऑर्बिटर में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने पिछले दिनों अपोलो 11 की लैंडिंग साइट तस्वीरें भी भेजी थी। ये तस्वीरें काफ़ी स्पष्ट थी और 40 साल पहले चांद पर मनुष्य की लैंडिंग के फुटप्रिंट तक को दर्शा रही थी। हाल ही में इसी साल क्रैश हुए इजराइल स्पेस क्राफ्ट की तस्वीर भी नासा के ऑर्बिटर ने जारी की थी। स्पेस फ्लाइट नाउ ने नासा के ऑर्बिटर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोआह पेत्रो के हवाले से लिखा है कि नासा का ऑर्बिटर 17 सितंबर यानी मंगलवार को विक्रम की लैंडिंग साइट के ऊपर से गुजरेगा। पेत्रो ने और यह भी कहा है कि नासा की नीति के मुताबिक उसके ऑर्बिटर का डेटा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होगा। हमारा ऑर्बिटर विक्रम लैंडर की साइट के ऊपर से गुजरेगा तो उसकी तस्वीर भी जारी करेगा ताकि इसरो को पूरी स्थिति का विश्लेषण करने में मदद मिल सके। इसरो ने मंगलवार को बताया था कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का पता लगा लिया है। हालांकि अब तक विक्रम लैंडर से संपर्क करने में कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।